गुड इवनिंग फ्रेंड्स, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था, इसकी वजह से 58 क्वेश्चन तक अपन पहुंच गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, 59 क्वेश्चन को देखते हैं। 59 क्वेश्चन में क्या लिखा है, इज मोस्ट कॉमन एंड सूटेबल मीडियम फॉर ऑर्किड या फिर ऑर्किड कल्टिवेशन। तो कौन सा मीडियम सूटेबल है ऑर्किड कल्टिवेशन के लिए? तो इसमें ए ऑप्शन है कंपोस्ट, बी सैंड, सी ऑप्शन है सोयल और डी है ब्रिक्स चिप्स प्लस वुडन चिप्स। ब्रिक्स चिप्स प्लस वुडन चिप्स। तो कौन सा मीडियम सूटेबल है, कंपोस्ट, सैंड, सोयल और डी। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, इज एन इम्पोर्टेंट नॉन फूड ऑफ आवर कंट्री। क्या लिखा है, इज एन इम्पोर्टेंट नॉन फूड ऑफ आवर कंट्री। ऐसी कौन सी जो अपने नॉन फूड में आते हैं और अपन कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। ए वीट, बी जूट, सी लेंटिल, सी टी और डी लेंटिल। कौन सा करेक्ट आंसर है? देखो एलिमिनेट करने की मेथड होती है, लेंटिल फूड में आता है, नहीं आता है। ए वीट फूड में आता है तो ये उसमें बोला नॉन फूड। टी, टी को भी अपन यूज करते हैं। जूट, बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर करेक्ट है? बी इज द करेक्ट आंसर। 61 बोलते हैं विप्टेल ऑफ कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू, मतलब कॉलीफ्लावर में जो विप्टेल होता है किसकी कमी से होता है। ए ऑप्शन है जिंक, बी ऑप्शन है मोलिब्डेनम और सी इसका जो ऑप्शन है पोटेशियम और डी है बोरोन। तो कौन सा आंसर सही है इसका, विप्टेल किसकी वजह से होता है? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, मोलिब्डेनम कमी से विप्टेल होता है कॉलीफ्लावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द पेस्टिसाइड सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट ऑफ स्प्रेयर इज 100 लीटर प्रति हेक्टर, द स्प्रे कैन बी क्लासिफाइड। देखो यहाँ से दो क्वेश्चन आ चुके हैं, एक पहले वाले जो अपने पार्ट किया था उसमें भी क्वेश्चन था, तो इसमें कौन सा आंसर होगा? रिक्वायरमेंट स्प्रे इज 100 लीटर प्रति हेक्टर। ए ऑप्शन हैंड ऑटोमाइजर, बी ए लो वॉल्यूम, सी ए हाई वॉल्यूम, डी ए अल्ट्रा लो वॉल्यूम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, अल्ट्रा लो वॉल्यूम। 63 क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज एक्सटेंशन हैज गॉट द हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब एक्सटेंशन की ऐसी कौन सी मेथड है जिसके द्वारा हाईएस्ट इंटेंसिटी से इन्फ्लुएंस किया जाता है लोगों को, मतलब उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो किससे ज़्यादा अगर आपको कोई काम करना है तो आप कैसे उसको, मतलब मान लो किसी लोगों को मनाना है तो आप मास अप्रोच से मनाओ, ग्रुप अप्रोच से, या फिर कम्युनिटी से, या फिर इंडिविजुअल। ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी रहेगी? इंडिविजुअल, अगर आप खुद वहाँ जाओगे तो जल्दी मान जाएगा। उसी तरह से ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच एक्सटेंशन हैज गॉट द हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब इन्फ्लुएंसर जो होता है उसको मनाने की, उसको कौन सी मेथड ज़्यादा सूटेबल है? तो इंडिविजुअल अप्रोच, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। 64, ऑल द फॉलोइंग प्रैक्टिस प्रमोट इरोजन, मतलब इसमें जो ऑप्शन दिए सारी इरोजन को प्रमोट करती है लेकिन एक नहीं है, कौन सी नहीं है देख लेते हैं। ए ऑप्शन एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक वाटर, बी ए एक्सेसिंग ग्राजिंग, सी ए कल्टिवेशन अलोंग द स्लोप और डी ए बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के जलाओगे इरोजन बढ़ेगा, स्लोप में कल्टिवेशन करोगे तो इरोजन बढ़ेगा, ज़्यादा ग्राजिंग हो जाएगी तो इरोजन बढ़ेगा। कौन सा ऑप्शन बचा है? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। इसलिए बोलता हूँ इलिमिनेट करना सीखो, डायरेक्ट नहीं ये पढ़ा ये लगा दिया, नहीं जल्दबाजी नहीं, आराम शांति से इलिमिनेट करना सीखो। और मेन चीज़ मेरा पेपर कराने का एक ही उद्देश्य है, आप ये देखो क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं तो आपको पता चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 65, अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द प्रीमियम इंटरेस्ट परसेंट पेड बाय फार्मर फॉर खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप के लिए फार्मर के द्वारा कितना प्रीमियम पेड किया जाता है? ए ऑप्शन 25%, बी ऑप्शन 1.5%, सी ऑप्शन 3% और डी ऑप्शन 5%। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे रबी के लिए जो परसेंट प्रीमियम होता है कितना पड़ता है, 1.5%, रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2%, और जो कमर्शियल क्रॉप होती है जैसे कॉटन शुगर के उसके लिए 5%। कौन सा आंसर सही होगा उस हिसाब से, कौन सा आंसर सही? कोई आंसर सही नहीं है, ये इसको सही, आप ए आंसर को सही कर लीजिए, 2.5 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए, 2%, 2 इज द करेक्ट आंसर, 2, इसका आंसर 2 सही है, 2% पेड किया जाता है खरीफ क्रॉप रबी के लिए 1.5%। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन की कौन सी मेथड है,
फार्म विजिट करोगे आप, मास कम, ग्रुप डिस्कशन, डिमोस्ट्रेशन, न्यूज पेपर, मास मतलब बहुत सारे इकट्ठा। कौन सी मेथड है? ए फार्म विजिट, बी ग्रुप डिस्कशन, सी डेमोस्ट्रेशन, डी इज द न्यूज पेपर। तो कौन सी करेक्ट हुआ? डी, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए फार्मर हैविंग लेस देन वन हेक्टेयर, वन हेक्टेयर इरिगेटेड लैंड। फार्मर कौन सी कैटेगरी में आएगा? फार्मर की कैटेगरी में आपको यहाँ बता देता हूँ। एक होता है मार्जिनल फार्मर, इसको एम से लिख रहा हूँ, इसके बाद होती है लेस देन वन हेक्टेयर। एक होता है स्मॉल फार्मर, स्मॉल फार्मर के पास कितनी होती है? एक से दो हेक्टेयर। एक होता है सेमी मीडियम, एक होता है सेमी मीडियम, इसको ऐसे में लिख रहा हूँ, इसके पास होती है दो से चार हेक्टेयर। एक होता है मीडियम, मीडियम जो होता है उसके पास होती है चार से दस हेक्टेयर। फार्मर की कैटेगरी है चार से दस हेक्टेयर, ये हो गया मीडियम के पास। एक होता है लार्जर या बिग फार्मर, उसके पास दस हेक्टेयर से अधिक जमीन होती है। तो अब क्वेश्चन क्या हो जाए? फार्मर हैविंग लेस देन वन हेक्टेयर, तो कौन सा हो गया? ए स्मॉल, ए मार्जिनल, बी स्मॉल, सी मीडियम, डी प्रोग्रेसिव। कौन सा हो गया? ए इज द करेक्ट आंसर, मार्जिनल फार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 विन विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग जीआईएस, जीपीएस एंड रिमोट सेंसिंग आर यूज। ए ऑप्शन है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, बी ए कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, सी ए प्रसीजन एग्रीकल्चर, डी ए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। आपको याद होगा जिस दिन मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म बताए थे उस दिन मैंने आपको इसके बारे में बताया था, जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, ये देख ले। तो आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे? इसका कौन सा आंसर सही है? सी इज द करेक्ट आंसर, प्रिसीजन फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग। जीआईएस देख लो, जीपीएस देख लो, रिमोट सेंसिंग देख लो, तो आप वहाँ पे क्या लगाओगे? प्रिसीजन फार्मिंग या प्रिसीजन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्प्रेयर, स्प्रे लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक हुई। द स्प्रे मेनली यूज फॉर स्प्रेइंग फ्रूट ट्री इन ऑर्चर्ड। जो फ्रूट ट्रीज है उनमें स्प्रेइंग स्प्रेइंग करने के लिए जो मेनली कौन सा स्प्रे का यूज किया जाता है? ए ऑप्शन है हैंड स्प्रे, बी ए रॉकर स्प्रे, सी ए नेपसेक स्प्रे, डी ए अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बी इज द करेक्ट आंसर, रॉकर स्प्रे का ऑर्चर्ड में यूज किया जाता है, उद्यान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम इज लॉन्च इन द ईयर। कौन सी स्कीम कब लॉन्च हुई अपन आगे पढ़ेंगे, और ये देखो याद करने वाली चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें मैं भी पढ़ा दूंगा, बाकी आपको खुद से भी पढ़नी पड़ेगी। ए ऑप्शन है 2009, बी ऑप्शन 2007, सी ऑप्शन है 2000, डी ऑप्शन है 1999। कौन सा आंसर सही है? डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। कैचमेंट इज ए मेथड ऑफ, कैचमेंट किसकी मेथड है? ए ऑप्शन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, वाटर हार्वेस्टिंग, सी वाटर सेट, और डी सोइल कंजर्वेशन। किसकी मेथड है कैचमेंट? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वाटर सेट की मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन इंडिया लैंड टू लैंड प्रॉब्लम, लैब टू लैंड है, लैंड टू लैंड नहीं है, गलत हो गया यहाँ पे, गलत टाइपिंग मिस्टेक हो गई। लैब टू लैंड, लैब टू लैंड इन इंडिया, लैब टू लैंड प्रोग्राम वाज लॉन्च किस ईयर में स्टार्ट हुआ? ए ऑप्शन 1951, बी ऑप्शन 1948, सी ऑप्शन 1979, डी ऑप्शन 1976। कौन सा आंसर सही है? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, लेफ्ट टू लैंड प्रोग्राम, आप इसको लेफ्ट टू लैंड कर लीजिए। 73 क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट, ये मैंने आपको एटमॉस्फेयर पढ़ाया उस दिन अच्छे से पढ़ाया। कौन सा ओजोन लेयर किसमें प्रेजेंट होती है? पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो ए ऑप्शन है थर्मोस्फेयर, बी ऑप्शन स्ट्रेटोस्फेयर, सी ऑप्शन है मेसोस्फेयर, डी ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर। कौन से में किसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है? ये होती है स्ट्रेटोस्फेयर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 द क्रॉस एंड इनब्रेड लाइन विद एन ओपन पोलिनेट वैरायटी इज नोन। इनब्रेड लाइन का किसके साथ क्रॉस करा देते हैं? ओपन पोलिनेट वैरायटी, तो उसको क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन थ्री वे क्रॉस, बी ऑप्शन बैक क्रॉस, टी सी ऑप्शन टॉप क्रॉस, डी ए डबल क्रॉस। क्या हो गया मैं आपको समझाता हूँ। बैक क्रॉस क्या होता है? पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, ये हट गया। जब तीन इनब्रेड लाइन क्रॉस कराते हैं थ्री वे क्रॉस हो गया, तो भी नहीं हो सकता। डबल दो इनब्रेड लाइन कराते नहीं हो, ओपन पोलिनेटेड का करा रहे हैं एक इनब्रेड लाइन, तो इसको बोलते हैं टॉप क्रॉस, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द केमिकल यूज फॉर पर्पज ऑफ किलिंग रेट्स, रेट्स को मारने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन रोडेंटिसाइड, बी ऑप्शन इंसेक्टिसाइड, सी ऑप्शन हर्बिसाइड, डी ऑप्शन फंजीसाइड। कौन सा सही होगा? ए इज द करेक्ट आंसर, रोडेंटिसाइड, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोटोसिंथेसिस पिगमेंट इज वाटर सोल्यूबल, इसमें से कौन सा फोटोसिंथेसिस का पिगमेंट जो वाटर सोल्यूबल? ए ऑप्शन है कैरेटोनाइड, बी ऑप्शन है फाइकोलेन, सी ऑप्शन है क्लोरोफिल, डी ऑप्शन है जेंथोफिल। एन नहीं है उसमें, जेंथोफिल, जेंथोफिल। तो
कौन सा आंसर सही होगा? बी इज द करेक्ट आंसर, फाइकोलिन। फाइकोलिन बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हाईएस्ट सर्टिफाइड एरिया इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? सिक्किम। लेकिन एरिया किसमें ज्यादा है? ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश नहीं, एमपी इज द हाईएस्ट एरिया, अपने मध्य प्रदेश, अपना मध्य प्रदेश। 78, ए क्रॉस बिटवीन वीट एंड प्रोड्यूस ए हाइब्रिड कॉल टेटिकल। वीट का किसके साथ क्रॉस कराते हैं जिससे टेटिकल निकलता है? किसके साथ कराते हैं? राइज के साथ, ट्राई के साथ, मेज के साथ, बाले के साथ। कौन सा आंसर? ए बी सी डी, कौन सा सही है? बी इज द करेक्ट आंसर, ट्राई। ट्राई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल, टाइपिंग मिस्टेक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखो टाइपिंग की मिस्टेक हो जाती है क्योंकि मुझे इतना टाइपिंग करना नहीं आता है, मेरी टाइपिंग फास्ट नहीं है और मैं खुद से टाइप किया हुआ है, ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, लेकिन मैं यहाँ सुधार रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल इज यूज फॉर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटी की। एग्रीकल्चर कमोडिटी को बेचने के लिए कौन सा ऑनलाइन ट्रेडिंग का पोर्टल का यूज किया जाता है? आर डब्ल्यू बी सी आई एस, बी ऑप्शन है इनाम, ई नाम, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री पी एम के वी वाई। तो कौन सा सही आंसर है? बी इज द करेक्ट आंसर, लेकिन उसका तरीका लिखने का गलत है। ई नाम ऐसे लिखा जाता है, ई टाइपिंग मिस्टेक है, मैंने आपको पहले वो ई नाम ऐसे लिखा जाता है, ई नाम ऐसे लिखा होता है, ई नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्मोकपल यूज फॉर द मेजरमेंट, थर्मोकपल का यूज किसके लिए किया जाता है? लीव वाटर पोटेंशियल, ट्रांसपीरेशन, सोइल मेट्रिक पोटेंशियल, डी ए लीव टेम्परेचर। थर्मोकपल का यूज किस लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? लीव का टेम्परेचर मापने के लिए। किसके लिए? लीव का टेम्परेचर मापने के लिए, लीव टेम्परेचर के लिए। तो ऑप्शन हो गया डी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 81 देखते हैं। वर्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम, एग्रीकल्चर किस भाषा से लिया गया शब्द है? जर्मन, ग्रीक, लैटिन, अरेबिक। कौन सा सही है? एग्रीकल्चर किस वर्ड से लिया गया? लैटिन, मैंने आपको बताया था कल्चर लगाया लैटिन है मोस्टली, सभी नहीं, और जिसमें लॉजी लगाया नॉर्मल लगा ग्रीक है। एवरेज मॉइस्चर कंटेंट इन ड्राइड वेजिटेबल, जो ड्राइड वेजिटेबल है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है? ए ऑप्शन है 10 से 12, बी ऑप्शन 7 से 8, सी ऑप्शन 3 से 5, डी ऑप्शन है 10 से 18। कौन सा आंसर सही है दोस्तों? आपके हिसाब से क्या सही है? सी इज द करेक्ट आंसर, 3 to 5, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉट डॉट, एटीपी मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को बनने के लिए कितने एटीपी का निर्माण होता है उसके साथ में? तो कितना होता है? ए ऑप्शन 16 से 18, बी ऑप्शन है 48 से 50, सी ऑप्शन 26 से 28, डी ऑप्शन 36 से 38। इसका तो आपको सबको ही पता रटा होगा ये क्वेश्चन, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 36 से 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनेबिलिटी ऑफ हाइब्रिड टू प्रोड्यूस वेबल ऑफ स्प्रिंग इज नोन एज, मतलब एक हाइब्रिड की इनेबल होता है एक जो जीवित ऑफ स्प्रिंग पैदा करने में, उसको क्या बोलते हैं? इनेबल होता है वो। हाइब्रिड इनवेबिलिटी, हाइब्रिड ब्रेकडाउन, हाइब्रिड स्टेलिटी, हाइब्रिड विगर। कौन सा आंसर सही होगा? डी, हाइब्रिड विगर। नहीं, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। देखो वहीं जाकर टिक लगाए, हाइब्रिड स्टेलिटी, हाइब्रिड की वो इसकी स्टेलिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन फार्म मैनेजमेंट, फार्म के मैनेजमेंट कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है? लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल, बिल्कुल है भाई, लॉ ऑफ पॉपुलेशन बिल्कुल है, नहीं है, सी ऑप्शन लॉ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लॉ ऑफ सस्टेन, तीनों है, एक नहीं है, कौन सा नहीं? लॉ ऑफ पॉपुलेशन, लॉ ऑफ पॉपुलेशन का फार्म मैनेजमेंट में कोई काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 86 पे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन इज फ्लोरिंग हार्मोन, कौन सा फ्लोरिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है? जिब्रेलिन, फ्लोरिजन, साइटोकाइनिन, इथिलीन, जैसा ही उसका नाम है फ्लोरिजन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इसको फ्लोरिंग हार्मोन बोलते हैं, इसलिए उसका नाम ही फ्लोरिजन पड़ गया। 87 देखते हैं। अदर नेम ऑफ वाटर सेट, देखो वाटर सेट्स कितने क्वेश्चन आ गए? 3 क्वेश्चन हो गए, ब्रेक पे लेगा 4 क्वेश्चन हो गए 2021 में वाटर सेट, इसलिए बोलता हूँ उसको ध्यान से रखो, जरा सा टॉपिक है 5 लाइन लेकिन क्वेश्चन वहीं से पूछ लेते हैं। क्या है वाटर सेट का अदर नेम?
ड्रेनेज बेसन, मैंने बोला इसका सिनोनिम के लिए ट्यूब में ड्रेनेज बेसन शब्द को यूज करते हैं या फिर कैसमेंट को यूज करते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना, डी इज करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल आयरन डिफिशियंसी इज प्रोमिनेंट, कौन सी सोइल में आयरन की डिफिशियंसी पाई जाती है, कौन सी सोइल होगी, वो सोइल होगी अपनी अल्कलाइन सोइल, अल्कलाइन सोइल सी इज द करेक्ट आंसर। 89 क्वेश्चन देख लेते हैं। सोइल इरोजन कंट्रोल एंड सोइल बाइंडिंग कैन बी डन इफेक्टिवली बाय ग्रोइंग, मतलब सोइल इरोजन को किसके द्वारा रोका जा सकता है, सुगर कैन, मैच, पोटाटो, ग्रासेस, किसके द्वारा, ग्रासेस जो भूमि को बांध के रखेगी, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रेनिंग TNV, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ, किसका किसका एग्जाम्पल है, सेल्फ हेल्प अप्रोच, एक्सटेंशन अप्रोच, कंप्रेशन अप्रोच, इंटीग्रेट डेवलपमेंट अप्रोच, किसका एग्जाम्पल है, एक्सटेंशन अप्रोच का, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 रिमूवल ऑफ यूनिफॉर्म थिन लेयर ऑफ सोइल बाय द एक्शन ऑफ वाटर इज रेफर्ड, यूनिफॉर्म लेयर आ जाए तो किसके द्वारा, सबसे पहली स्टेज क्या होती है, सेकेंड स्टेज, पहली स्टेज होती है स्प्लास, फिर सीट, फिर रिल, फिर गली, चारों स्टेज है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, यूनिफॉर्म सीट इरोजन, किसान की मौत के नाम से भी इसको जाना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर इरोजन में। मानसून कौन सा वर्ड है, लैटिन, ग्रीक, अरेबिक, संस्कृत, कौन से भाषा से लिया गया है मानसून, मैंने आपको पढ़ाया था उस दिन लेक्चर में, अगर आपने देखा होगा तो, कौन से शब्द से लिया गया है, सी इज द करेक्ट आंसर, अरेबिक, अरेबिक वर्ड, मौसम से लिया गया है, मौसम, इसका मतलब होता है सीजन। सक्सेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस पर डिपेंड होती है, रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, रेगुलर कॉन्टैक्ट ऑफ वर्कर, अमाउंट ऑफ सब्सिडी, किस पे रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की सक्सेस डिपेंड होती है, तुम लोगों पर, जो तुम लोग बनने जा रहे हो, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, REO, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। द लीडिंग मेथड ऑफ कॉमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ मैंगो प्लांट, मैंगो प्लांट में लीडिंग मेथड कौन सी है, ए ऑप्शन कटिंग, बी इनार्चिंग, सी लेयरिंग, डी डिवीजन, कौन सी मेथड सही कॉमर्शियल प्रोपगेशन की मैंगो की, कौन सी है, बी इज द करेक्ट आंसर, इनार्चिंग, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, इनार्चिंग मेथड ही प्रोपगेशन की कॉमर्शियल मेथड है, किसमें, मैंगो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल अमीनो एसिड डिफिशिएंट इन राइज, राइज में कौन से अमीनो एसिड की कमी होती है, एलानिन, आइसोल्यूसिन, ग्लाइसिन, कौन से अमीनो एसिड की कमी होती है राइज में, डी इज द करेक्ट आंसर, जबकि सभी सीरियल में होते हैं लेकिन राइज में होती है, सभी सीरियल में होती है लाइसिन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, अब इसमें देखना है नॉट कौन सा करेक्ट नहीं है, मतलब चार में से ये तीन करेक्ट है, एक करेक्ट नहीं है। परचेज पेस्टिसाइड ओनली फ्रॉम रजिस्टर पेस्टिसाइड डीलर हैविंग वैलिड लाइसेंस, बिल्कुल सही है भाई, बी ऑप्शन परचेज पेस्टिसाइड इन बल्क फॉर ऑल सीजन, सी है परचेज पेस्टिसाइड वेल पैक्ड, ये भी सही है, डी है नेवर परचेज विदाउट, ये भी सही है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ये सही नहीं है, एक पूरे सीजन की एक बार में इकट्ठा दवाई खरीद के पेस्टिसाइड खरीदने लाएंगे वो खराब हो जाएंगे, ये गलत है। प्लांट ग्रोइंग शेडी रीजन, छांव में प्लांट जो ग्रो करता है उसको क्या बोलते हैं, साइफाइट, सी द करेक्ट आंसर, पानी में ग्रो करते हैं हाइड्रोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 98 विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ इंडिया, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ इंडिया, किसके हाइब्रिड की बात हो रही है, मक्का की हाइब्रिड की बात हो रही है, विजय किसान, गंगा, विक्रम, कौन सी फर्स्ट हाइब्रिड है मक्का की, सी इज द करेक्ट आंसर, गंगा, गंगा 101 करेक्ट आंसर। 99 इंडोल 3 एसिटिक एसिड द मोस्ट कॉमन नेचुरली ऑकरिंग प्लांट हार्मोन ऑफ क्लास, कौन सी क्लास का है, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, कौन सा सही है, कौन सा सही, बी इज द करेक्ट आंसर, ऑक्सिन। लास्ट क्वेश्चन है अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कैम प्लांट, कैम प्लांट का एग्जाम्पल कौन सा है, एप्पल, मैज, मैंगो, पाइन एप्पल, कौन सा करेक्ट आंसर है आपके हिसाब से, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा, आप लोग पूरा वीडियो भी देखते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर का एनालिसिस करना जरूरी है, कहाँ से आ रहे हैं पेपर, कहाँ से बन रहा है, इस तरह अपन धीरे धीरे पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे, चार पाँच पेपरों को, इससे अपन को अंदाजा लगेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, ओके।